यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहम कि पहली आसमानी किताबों में सर्वे कॉलेज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना जिक्र मुबारक था, आपकी एक एक चीज का तस्करा अल्लाह ने तौरात ज़बूर इंजील सहीफे इनमें इतना कर दिया था कि आपको वो लोग कितना पहचानते थे। तो कुरान उसको एक तशबीह देकर कहता है कि नबी आप उस ज़मान खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इसको पहले अज्ञान वाले यहूद व नसारा वो इस तरह हुजूर को पहचानते थे, यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहम आपको ऐसे पहचानते थे जैसे कोई शख्स अपने बेटे को पहचाने। यकीनन बेटा हाथों में जन्म लेता है और उसकी एक एक चीज का इल्म होता है, तो फरमाया जैसे बेटे का पहचानना मुश्किल नहीं, तो अल्लाह ने अपने नबी के औसाफ कमाला पहली किताबों में इतने बयान कर दिए थे कि वो ऐसे पहचानते थे जैसे कोई शख्स अपने बेटे को पहचाने। और ये मुबालगा नहीं है, ये हकीकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक सफर हुआ है अपने चचा के साथ, तो रास्ते में एक राहिब मुहैरा वो अपने माबत और इबादत खाने में रहा करता था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ यहाँ गए हैं तो ये आज पहली दफा अपने माबत से बाहर आया है। हालांकि ये कुरैश के खानदान पहले भी इधर से गुजरते थे, इसने कभी कोई पूछा भी नहीं था, और आज बाहर आया है और बाहर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, आपके बारे में सारी बात की है और कबीले की और आने वाले काफिले की दावत की है। और उसके बाद बुहैरा ने आपके चचा को बताया कि ये किसका है, तो उन्होंने बताया कि ये मेरे भतीजे हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं। तो उसने देख कर कह दिया था कि ये इस उम्मत के आखिरी नबी नशीब है, ये आखिरी नबी है। तो अबू तालिब ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला, तो उसने कहा कि हमने अपनी किताबों में जो कुछ पढ़ा वो भी नजर आ रहा, और जब ये पहाड़ के ऊपर से उतर रहे थे तो मैंने देखा क्या कि पहाड़ के तमाम जड़ी बूटियां वो इनके साथ में झुक रही थी सजदा कर रही थी, और नबी के अलावा किसी और के साथ में ये चीजें झुका नहीं करती हैं। तो मैं पहचान गया कि हमारी किताबों में जो लिखा हुआ है उसका मिसदाक यही शख्स है। और फिर उन्होंने कहा था कि आप इनको आगे मुल्की शाम ना ले जाएं, इसलिए कि यहूदी वो भी पहचान जाएंगे कि ये नबी आखिर समा है, अगर जे अभी आप बच्चे हैं तो कहीं इनको कतल न कर दिया। तो मैंने अर्ज किया कि कुरान ने जो ऐलान किया था यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहु कि वो नबी आखिर समा को ऐसे पहचानते थे जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं, ये मुबालगा नहीं है, वाकई ऐसे पहचानते। आप जरा इससे पीछे चले जाइए, आप अपनी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, आपके जन्मे अमजद हाशिम ये अल्लाह ताला ने इनको बहुत ऊंचा मकाम बता फरमाया हुआ है, हिरकल रूम और बड़े बड़े लोग जो उस जमाने के थे, हिरकल रूम ने एक खत लिखा था आपके जन्मे अमजद हाशिम की तरफ कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी शहजादी का निकाह आपके साथ। हालांकि कहां रूम के वो बादशाह और कहां मक्के के ये लोग, लेकर वो क्यों ये पेशकश कर रहे थे, वो अपनी किताबों में देख चुके थे कि नबी आखिरुस्समा इस खानदान से आएंगे, वो चाहते थे कि पूरे नबूवत जो है उसके अंदर हमारी शराकत भी हो जाए, हमारी बच्ची इस खानदान में चले जाए, क्योंकि हाशिम से आगे जो सिलसिला चलना है उसी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लारे। तो मैंने कहा अपने जमाने में हिरकल रूम जो है उसने भी ये पेशकश की थी कि किसी तरीके से मेरी शहजादी इनके निकाह में चली जाए और इनकी नस्ल में जो नबी आखिरुस्समा आने वाले हैं, खातमुन नबीयीन आने वाले हैं, वो हमारी नस्ल में या हमारे वतन में से आ जाएं। ये बादशाह भी क्यों पेशकश कर रहे थे उनकी किताबों में,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीलात अल्लाह ने कितनी बयान की कि जिसका खुद तस्करा अल्लाह कर रहे यालिफूनहु कमा यालिफूना बनाअहु, कि वो तो मेरे नबी को इतना पहचानते थे कि जैसे अपने बेटों को पहचाना जाता है। ये कैफियत अल्लाह ताला ने आपकी आमद से पहले ही कर दी। आप देखते हैं सुबह सूरज जब शुरू होता है तो सूरज जब निकलता है सूरज निकलने से पहले रोशनी उफक पर आ चुकी होती है। ये नहीं है कि सूरज से पहले अंधेरा होता है एकदम सूरज निकल आया, लेकिन ऐसे नहीं होता है। सूरज निकलने से पहले रोशनी जो है वो फैल चुकी होती है, फिर सूरज नमदार होते हैं। ऐसे सर्वे वलेन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आफताबे हिदायत हैं। आप जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके आने से पहले अल्लाह ताला ने रोशनी निशानी इरहासात वो आपने दुनिया के तक अल्लाह ताला ने फैला दिए थे, जिससे दुनिया को पता चल गया था कि वाकई कोई दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई है तो किसरा जो ईरान का बादशाह है, तो यहाँ पर इसके जो महल्लात थे उसके 14 किंगड़े, जैसे हम छोटे छोटे अपनी मस्जिदों के ऊपर बना देते छोटी छोटी मीनारियां, तो ऐसे 14 किंगड़े जब आपकी पैदाइश हुई तो एकदम से दबाव से नीचे आ गए और जलजला आ गया। और इसी तरीके से 1000 साल से उन्होंने आग जला रखा, क्योंकि ये मजूसी लोग थे किसरा ईरान के इलाके वाले लोग, ये आग की पूजा करने वाले लोग थे, तो इन्होंने 1000 साल से आग भी बुझने दी थी। जैसे आपकी पैदाइश हुई है तो कहा कि वो जो आग आतश कदा था वो एकदम बुझ गया। ये आपकी अलामत थी कि अब नबी आलमुस्सलमा आफताबे हिदायत वो दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, लिहाजा जा अल्हक व ज़हक़ल बातिल, अब दुनिया में हक आएगा और दुनिया का बातिल दुनिया से चला जाएगा। तो अल्लाह ताला की अजीब व गरीब निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आपसे पहले के लिए। आपके वालिद माजद जनाब अब्दुल्लाह जब इनको इनके वालिद जनाब अब्दुल मुत्तलिब वो लेकर जा रहे हैं शादी के लिए, तो आपकी शादी चुके मदीना तैयबा आपके ननिहाल में हुई, तो जब शादी के लिए लेके जा रहे थे तो रास्ते में एक यहूदी औरत उसने सर्वे कौरेन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को अपनी तरफ आमादा किया और बहुत बड़ी तादाद में ऊँटों की पेशकश की कि ये ऊँट ले लो और मेरे साथ इस दिवाजी ताल्लुकात कायम करो। उन्होंने कहा कि हम ये बुराई कभी नहीं कर सकते, अपने वालिद के साथ चले गए, सैयदा अमना के साथ शादी हो गई और जब आप वापस आए तो ये यहूदी खातून फिर रास्ते में। इसने पूछा कि अब्दुल्ला कहाँ गए थे और कहाँ रहे, तो बता दिया कि शादी के लिए गए थे और शादी करके वहां से वापस आ रहा। तो उसने कहा कि मैंने जो तुम्हें पेशकश की थी मैंने तुम्हारी पेशानी में नूरे नबूवत देखा थी, मेरा दिल चाहता था कि जो अल्लाह ने नूरे नबूवत तुम्हारी पुश से पैदा करना है वो मेरे बदन में आ जाए, लेकिन वो जिसकी किस्मत थी उसी का हुक्म था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे नबूवत वो आपके अजदाद से जाहिर होना शुरू हो गया था, और मैंने कहा आपके आबाओ अजदाद के साथ अहले किताब के रابطे शुरू कर दिए थे कि किसी तरीके से ये दौलत हमारी तरफ आ जाए, लेकिन ये मेरे अल्लाह को मंजूर था कि ये कहां रखनी है कहां से पैदा करनी है, लेकिन आपका विहला आपकी पैदाइश से पहले ही दुनिया में हो रहा, आपकी पैदाइश के मौके पर हुआ, बल्कि जिस दिन आपकी पैदाइश हुई है तो मक्का मुकरमा के एक यहूदी ताजर जो कारोबारी सिलसिले में मक्का में आया हुआ था और ठहरा हुआ था, तो आपकी पैदाइश हुई वो सुबह को हरम में गया और कुरैशी लोग बैठे हुए, उसने कहा कि आज मक्के में कौन सा बच्चा पैदा हुआ है जरा पता करके बताओ। उन्होंने पता किया तो बताया कि अब्दुल्ला के घर अब्दुल मुत्तलिब का पोता आज पैदा हुआ है। उसने कहा मुझे लेके चलो मैं देखना चाहता हूँ, और जब वो आया उसने आते ही आपकी कमर मुबारक को देखा, जब कमर मुबारक को देखा
तो आपके कंधे की जो कच्ची हड्डी होती है नीचे, उसके करीब मोहरे नबूवत लगी गई। और जब उसने ये देखा तो बेहोश होकर गिर गया, और जब होश आया तो उसने कहा तुझे क्या हो गया है? बच्चे को देखकर बेहोश हो गए होंगे। उसने कहा कि आज बनी इसराइल से नबूवत निकलकर बनी इस्माइल के करीब तक गई। पहले नबूवत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में चली आ रही थी, और आज नबूवत वहां से निकली है और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद, क्योंकि मक्के में ये सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद चली है। तो कहा आज नबूवत उधर से निकलकर इधर आ गई है, और ये नबी आखिरी ज़मा है जो आज तुम्हारे घर में पैदा हो गई है। तो अल्लाह ताला इसको कह रहे हैं यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, हम बताते हैं हमने अपने नबी के औसाफ कमालात पहली किताबों में इतने जिक्र कर दिए थे कि अहले किताब यहूदो नसारा वो नबी आखिरुज़्ज़मा को ऐसे पहचानते थे जैसे कोई अपने बेटे को पहचानता है। ये कुरान का ऐलान है कि मुबालगा नहीं है, मैं उसके नज़ाइर पेश कर रहा हूँ। ये कुरान में जो कहा वो वाक़ई ऐसे है कि इतनी अलामात हुज़ूर की बयान की गई थी कि किसी को शक शुबा ना हो। इसका इलाज तो भाई दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह ने आपकी हकानियत को वाज़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूरज के निकलने में तो किसी को शुबा हो सकता है, लेकिन हुजूर के नबी होने में शुबा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने इतना दलाइल का अखबार लगा दिया था, तो फरमाया वो तो आपको यूं पहचानते थे जैसे कि अपनी औलाद को पहचाना करता है। सिर्फ आपको नहीं, अल्लाह ताला ने आपके खुलाफा आपके सहाबा उनका तो जरा भी पहली आसमानी किताबों में किया कि जो आपके खुलाफा होंगे वो कैसे होंगे, आपके सहाबा के औसाफ क्या होंगे। सूरह फतह के आखिर में अल्लाह ताला उसका तज़किरा फरमा रहे कि हमने पहली आसमानी किताबों में अपने नबी के दोस्तों का भी तज़किरा किया होगा। एक बात आता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला एक दफा उनके शाम कारोबारी सिलसिले में गए, और जब आप कारोबार के लिए गए तो अभी आपका कोई कारोबारी काम बाकी था, काफला मक्के का वापस आ गया, आपने सोचा एक दो दिन ठहर जाऊंगा फिर वापस चला जाऊंगा। तो आप वहां उनके शाम में ठहरे हुए थे उनके एक इबादत खाने में, जैसे मुसाफिर आदमी जाकर बैठ जाता है तो आप भी उनके किसी इबादत खाने में बैठे हुए। तो उनका जो पादरी है पोप है उसने देखा एक मुसाफिर है, बदबी आदमी है, अरब से आया हुआ है, चलो इससे कोई काम ही लेना चाहिए। ताकतवर के हर जिम्मा रजी अल्लाह तआला तो उसने कहा कि ये देखो ये बटी हुई डेरी है, ये सारी उठाकर तुमने बाहर फेंक दी। तो हर तुम्हें नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारा कोई नौकर हूं, फिर तुम मुझे कह रहे हो कि ये सारी मट्टी उठाकर बाहर फेंक दी। उसने कहा कि ये उठाओगे तो जान छूटेगी, नहीं तो मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। उसने बाहर से ताला लगा दिया और कहा कि आज आपसे उठाऊंगा, और तुम आराम से बैठे रहे। वो वापस आया तो देखा मट्टी की डेरी वैसे पड़ी हुई है, आपने कुछ भी नहीं उठाया। उसने आगे दुआ भला कहना शुरू कर दिया। तो आपने कस्सी कई जिससे मट्टी उठानी थी वो उठाई और उठाकर उसके सर पे दे पड़े, और जब मारी तो वही ढेर हो मर गया। तो हर तुम्हें घबराए कि कोई बंदा मर गया तो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, तो आप वहां से भाग निकले जान बचाने के लिए। जब आप भाग के निकले हैं तो तेजी से वापस तशरीफ ला रहे थे कि एक जगह थकावट के बाद साए में एक दीवार के साए में बैठे। जब आप दीवार के साए में जरा आराम करने के लिए बैठे थे सांस ले लूं फिर आगे चलता हूं, कुछ देर के बाद इस दीवार के साए में बैठे हुए थे, ये भी उनका कोई माबत था, अंदर से उनका एक राहिब निकला, एक पोप और पादरी निकला। उसने आकर अटकर को सर से लेकर पांव तक देखना शुरू कर दिया और कहा मुसाफिर रखते हो अगर आ जाओ पानी वानी पियो। तो पानी वानी पिलाया और उसके बाद उसने कहा मेरी एक दरख्वास्त है। आपने फरमाया बताओ क्या दरख्वास्त है। कहा कि तुम इस जगह यानी जहां आप तुम मुल्के शाम में आए हो एक वक्त आएगा कि इस मुल्के शाम के फाते तुम हो, इस मुल्के शाम के बादशाह तुम बनोगे,
लिहाजा तुम ऐसे करो कि मुझे ये लिख के दे दो कि ये जो मेरा माबत है या ये जो मेरी जगह है इसको कुछ नहीं कहा जाएगा, ये मुझे आज तहरीर लिख दो कि ये तुम्हें। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हुए, फरमाया हमारे साथ मुसाफिर क्यों करते हो, हम परदेसी लोग हैं, मुसाफिर लोग हैं और आप तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उसने कहा नहीं नहीं घबराओ नहीं, मैं ऐसे नहीं तुम्हें कह रहा, मैं आसमानी किताब जो मेरी है मैं उसमें पढ़कर आपके चेहरे से लेकर पांव तक देखा है। नबी आखिरुज़्ज़मान के खलीफा साकी खलीफा दूम जो उसकी अलामात बयान की वो सारी तुम्हारी सामने मुझे नजर आ गई। इसलिए मैं यकीन से कहता हूँ कि जो तेरी किताब में लिखा हुआ है वो तुम ही हो और तुमने फाते शाम बनकर आना है, बैतुल मक़द्दस को तुमने फतह करना है, इसकी चाबियां तुम्हें मिलेगी, तुम बराए करम ये लिख के मुझे दे दो। और तुम्हें फरमाते हैं मैंने जान छुड़ाने के लिए कि यार कहीं पीछे पकड़ने वाले ना आ जाए, मैंने कहा लाओ जो लिखवाने में फटाफट लिख देता हूँ। तो आपने एक जो है कागज तो उस जमाने में नहीं होते थे, छपड़े के ऊपर आपने लिखे का ये लो भाइयों हम जा रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कुरान ने ये कुछ मुबालगा नहीं कहा, यारिफूना हु कमा यारिफूना अबनाहु, कि मेरे नबी का तारुफ पहली आसमानी किताबों में सिर्फ नबी की जात का नहीं करवाया गया बल्कि नबी के सहाबा आपके खुलफा का तारुफ भी उतना कराया गया था कि शाम वाले ये पहचानते थे कि उमर जो है ये नबी आखिरुज़्ज़मान के खलीफा है, हालांकि अभी तक तो हुजूर ने नबूवत का ऐलान भी नहीं किया। चलो ऐलान के बाद तो कोई समझ में आता है, अभी तो उमर भी मुसलमान नहीं है, नबूवत का ऐलान नहीं है, लेकिन जब उनके शाम जाते हैं तो उनके पोप और पादरी अपनी किताबें पढ़कर कह रहे हैं कि साहब तुम ही इस मुल्क के फाके हो, हमारी किताबों में जो लिखा हुआ तुम्हारी शक्ल सूरत में साबित आ रही है। तो अल्लाह ताला ने हक को इतना वाजी करके भेजा था ताकि किसी को मानने के अंदर कोई रुकावट न पैदा हो, अल्लाह ताला ने तो इत्मीनान हुज्जत कर दिया। बाकी जिद और इनाद मैंने अर्ज किया था इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेसत मुबारका हुई है तो आपकी वालिदा माजदा कहती है कि इतना नूर वाज़े हुआ कि मुल्के शाम के महल्लात मुझे दिखाए गए। अमर बिन आस की वालिदा मोहतरमा वो उस वक्त पास की दाया का काम करने वाली थी, वो कहती है जब आपकी विलादत हुई है तो मुझे यूं लगा आसमान के सितारे हमारे ऊपर गिरने लगे, इतने झुक कर करीब आ गए यूं लगा कि ये सितारे हमारे ऊपर गिर जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक पर अल्लाह ताला ने इतनी निशानियां वाजे कर दी ताकि किसी को तर्कुत न रहे कि इस आखिरी नबी को दुनिया में तशरीफ ला चुकी है। तो आपकी आमद पर मैंने कहा मुकद्दर अलामात अल्लाह ताला ने वाजे की है और उसके बाद आपने 40 साल जिंदगी जो मक्का मुकर्रमा में गुजारी है इस बाकमाल अंदाज में गुजारी है कि जाहिलियत का कोई ऐब वो आपके करीब नहीं भटक सका, समाने जाहिलियत की कोई बुराई वो आपके करीब नहीं आ सकी। शिर्क सबसे बड़ी बुराई थी, आप कभी शिर्क के करीब नहीं गए। आपके जो गुलाम हैं हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला कहते कि मैं हुजूर के साथ समाने जाहिलियत में तवाफ कर रहा था और वहां उसके दो बुत थे इसाफ और नायला और मुशरिकीन जब गुजरते थे तो उनको यूं टच करते रहते, तो कहने लगे मेरे हाथ लगाने की कोशिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, मैं दोबारा आया फिर हाथ लगाने लगा तो आपने सख्ती से मना किया कि किसी बुत को ताज़ीम के तौर पर हाथ नहीं लगाना, हालांकि अभी आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया। शिर्क मैंने कहा इससे बिल्कुल बेजार थे, तौहीद जबिल्लत के अंदर अल्लाह ने रखे, सिद्क अमानत शराब नोशी से नफरत बेहयाई के कामों से नफरत ये सारी चीजें अल्लाह ने अपने नबी के अंदर पैदाइशी तौर पर रखी, ये सारे कमालात सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक्दस के अंदर और जो अल्लाह ने औसाफ़े हमीदा आप पे रखे थे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसका तज़किरा करती है जब आप पर पहली वही आई है और आप पहली वही का बोझ लेकर एक नई चीज सामने आए तो
तो तबीयत के तब आज एक घबराहट सी होती है। जब आप घर पहुंचे हैं तो आपने आकर बताया खदीजा आज एक नई चीज पेश आ गई, किस तरह का वाकया पेश आया है, तो जरा घबराहट की तबीयत पर तो अम्मा खदीजा ने सबसे पहले कहा कल्ला वल्लाहि ला युसीक अल्लाह, मैं कसम उठा कर कहती हूँ अल्लाह ताला आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, आपको कहीं जाए नहीं ना करने देंगे, ये मैं कसम खा कर कहती हूँ। वजह क्या है, कसमें क्यों खाई जा रही है, तो कहा उसकी वजह मैं बता देती हूँ। आगे जो आपके कमालात जिक्र किए वो ये इतना का रहता सिलु वतक सिगुल मारूद कि आप सिला रहमी करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता आप कमा कमा कर उनको देते हैं, आप तहमिलुल कल लोगों का बोझ आप अपने सर ले लेते हैं, लोगों के कर्जे अपने सर ले लेते हैं, और तुगरीउ ज़ैन आप मेहमान नवाजी में बहुत आगे हैं, वो तोड़ी वाला नवाज बिल हक हक में कोई आदमी उस पे कोई तावान आ जाए तो आप उसका काबू करते हैं। कि अम्मा खदीजा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ो कमालात को बयान किया है, जो ज़माने जाहिलियत जब आपने अभी अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया है तो अम्मा जान ये कह रही कल्ला वल्लाहि ला युसीक अल्लाह, ये मुमकिन ही नहीं कि आपका अल्लाह आपको छोड़ दे, इसलिए कि आपने ये औसाफ़ो कमालात हैं, आप सिला रहमी खानदानों को जोड़ना, खानदान के साथ सिला रहमी करना आपकी आदत में से है, नादार लोगों का ताबून करना, खुद कमा कर जिसको आप गरीब परवरी कहते हैं ये आपकी खुदी के अंदर है। कोई किसी मुसीबत में अचानक गिरफ्तार हो गया, हालांकि पहले वो मालदार था लेकिन अचानक साने हाथ आ जाते हैं, आप कहते लाओ ये मेरे सर डाल दो, तुम क्यों घबराते हो। कोई मेहमान आ गया है तो मेहमान नवाजी में पेश पेश है, कभी मेहमान को बोझ नहीं समझ रहे, ये आपकी आदत है जिनको अम्मा खदीजा बयान कर रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औसाफ़ो कमालात के मालिक हैं, और जिस हस्ती में ये औसाफ़ो कमालात पाए जाएं अल्लाह ताला कभी उसको ज़ाया नहीं होने देते, ये मैंने कहा आपके बारे में अम्मा जान की खबर। और आपने अपने मुआशरे और सोसाइटी में जो अपना किरदार नबूवत से पहले अदा किया है उसकी एक दो तस्वीरें देख लीजिए। ये बैतुल्ला मुश्रिकी ने मक्का ने अपने जमाने में शहीद किया, और जब बनाने लगे तो उनकी दीवारें जब ऊपर की और जहां हजरे असमद है इसके रखने की जब जगह आई तो आपस में झगड़ा हो गया, हर खानदान चाहता था कि ये सआदत हमें मिले और हम इसको रखेंगे, तो इसमें आपस के अंदर जब लड़ाई झगड़ा होने लगा फैसला ये तय हुआ कि कल को जो सबसे पहले हरक में दाखिल होगा उसको अपना फैसल में मुकर्रर कर लिया जाए। अल्लाह की शान जब दूसरा दिन आया तो सबसे पहले सरवरे कौरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरक में दाखिल हुए, तो जब लोगों ने देखा तो देखते ही एक बात सुबान पर बेसाख्ता आ गई, वो ये हाजा अमीन, ये बड़े ही अमानतदार हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप जो फैसला करेंगे हम मान लेंगे। आप तशरीफ लाए, आपके सामने ये बात जिक्र की गई, आपने एक चादर मंगवाई और चादर को रखा और खुद उस पत्थर को उठाकर उसके बीच में रख दिया, और तमाम कबाइल सरदारों से कहा कि सारे आ गए, तमाम सरदारों से कहा कपड़े को पकड़ लो किनारों से दाएं बाएं से, सबने कपड़ों को पकड़ा और उठाया और फटा उठा कर वहां ले जाओ। जब वहां ले गए तो सदर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अपने से उठाया और वहां नसब कर दिया, होया तमाम लोग इस सआदत में शरीक करके जो एक लड़ाई हो सकती थी खानदानी कबाइल अरब में आपने उससे खुद को बचा। ये आप जमाने जाहिलियत में जब आप नबूवत का ऐलान नहीं किए हुए तब भी आप ऐसा मुआशरती किरदार अदा कर रहे थे कि जिससे सोसाइटी लड़ाई और झगड़े से बच जाती है। और जहां तक आपके अमीन होने का ताल्लुक है ये तो उनकी जमानों पर था, और आपका लकब अमीन वो जमाना जाहिलियत मुश्रिकीन मक्का वो आपके बारे में अमीन का लफ्ज को हमेशा कहा हाजा अमीन के ये हमने सबसे बड़े अमानतदार हैं, तो अल्लाह ने जिद और अमानत ये आपकी घुटनी में रखी थी, तो मैं
अमेरिका डरने बनने से पहले आपका किरदार अपने मुआशरे में इतना वाज़े, बेदाग, इतना मेयारी था कि कुरान ने कहा है कि चलो अब तो आपने नबूवत का ऐलान कर दिया है, अगर तुम्हें मेरे नबी पर कोई शुबा है वो ऐलान करवाया जा रहा है। قد لبثت فيكم نبرا من قبل, مکے کے لوگوں 40 سال تو میں بھی تمہارے ساتھ رہا ہوں نا, میری 40 سالہ زندگی دیکھو اگر کہیں کوئی داغ دھبا نظر آتا ہے تو بالکل ہی رکھ کے بچے, اگر کہیں تمہیں کوئی کمزور پہلو نظر آتا ہے تو ذرا کھلی تو رکھو, وہ قرآن کے اعلان کر رہا ہے قد لبثت فيكم نبرا من قبل کہ تمہارے اندر زندگی کا اتنا بڑا حصہ گزارا ہے, کیا میری روشن زندگی وہ میرے نبوت کی دلیل نہیں ہے؟ دیکھو تو صحیح اگر کوئی داغ نظر آتا ہے گزر کے بتاؤ. تو میں نے کہا کوئی مشرک کوئی دشمن آپ کی زندگی کے ٹکڑے نہیں اٹھا سکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واقعی ایسا بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, آپ آفتاب ہدایت پیدا کرائے. بھائیوں مجھے اور آپ کو اپنے مقدر پر ناز ہونا چاہیے, ہمیں اللہ کا کروڑ بار شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے نبی آخر الزمان کی امت میں مجھے آپ کو بنایا, اور سعادت بالائے سعادت کہ ہمیں کلمہ گو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعزاز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کائنات کا سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑا تمخہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایمان کی صورت میں مجھے آپ کو دیا ہے. لیکن حیرت تو ان پر ہے کہ جن کو کائنات کا سب سے بڑا اعزاز دیا جائے اور ان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہمیں مسلمان ہونا یہ کتنی بڑی سعادت ہے, اور حضور کا امتی ہونا, کلمہ گو ہونا اس کائنات کا سب سے بڑا فخر ہے. میں نے کہا جن کو یہ ملا ہوا ہے آج ان کو یہ پتہ نہ ہو, اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم جیسے بھی ہیں بھارت, ہم نبی آخر الزمان کے امتی اور کلمہ گو ہیں. ہمیں اس نسبت کی ذرا لاج نہ آئے جو اللہ نے میرا اور آپ کا رشتہ حضور کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو نسبت ہے اللہ کرے کہ میں اس نسبت کی لاج نہ بھا کر چلا جاؤں. میں نے اس کو روشن کیا کرنا ہے, کم از کم اتنا کر لو کہ ہماری وجہ سے ہمارے نبی پر ان کی تعلیمات پر کوئی داغ دھبا نہیں آنا چاہیے. کوئی ایسے نہ کہے کہ مسلمان کیوں ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ہماری وجہ سے کوئی اس نسبت کے داغ نہیں آنا چاہیے. ایک بار مولانا کا ایک شعر عرض کر دیتا ہوں جو انہوں نے آخر میں جا کر کہا تھا, تو غنی اظہر دو عالم من فقیر, اے اللہ تو بادشاہ ہے اور ہم تیرے فقیر اور بنتے ہیں. تو غنی اظہر دو عالم من فقیر, روزِ محشر عذر ہائے من بصیر, قیامت والے دن میری معذرت کو قبول کر لینا, میں کوئی عذر لنگڑے لنگڑے پیش کروں تو ذرا قبول کر لیجئے گا. روزِ محشر عذر ہائے من بصیر, گر حسابم رات امینی نا گزیر. لیکن اگر پھر بھی آپ کا ارادہ ہو کہ اقبال کے کرتوت دیکھنے ہیں, کیا کرتوت ہے اس کے نامہ اعمال میں, تو اقبال محبت سے کہتے ہیں اس نگاہ مصطفیٰ بنہا بھی, کہ یا اللہ اگر میرے کرتوت دیکھنے ہو تو کہیں نہ پردہ کر لینا کہ حضور کی نگاہوں سے چھپا چھپا. اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندگی اٹھانی پڑے. اس کو کہتے ہیں اس نسبت کی لاج نہ بھاؤ بھائی. تو اس لیے اللہ نے یہ شرافت اگر دی ہے, اس شرافت کی میں اور آپ قدر کریں. ہماری وجہ سے اس شرافت میں کوئی داغ دھبا نہیں آنا چاہیے. تو میں نے کہا اس شرافت کی لاج اگر میں اور آپ لگاؤ گے اور یہ شرافت لے کر دنیا سے چلے گئے تو انشاءاللہ بیڑا اللہ تعالیٰ بات کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو